इस न्यूज के प्रायोजक हैं डॉक्टर के प्लस, रेट में कम क्वालिटी में दम। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई दूसरे राज्यों को करने से इनकार कर दिया है। इसके बाद से मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में चुनाव के पहले सियासत गरमाने लगी है। पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। महाराष्ट्र सरकार के ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने पर सीएम शिवराज ने महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे से चर्चा कर ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल करने की बात की है। सीएम शिवराज सिंह ने वैकल्पिक व्यवस्था होने की भी बात कही है। आज मैंने कोरोना की पूरी समीक्षा की है। ऑक्सीजन की कमी का विषय महत्वपूर्ण था जो मुझे चिंतित कर रहा था। आज मैंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी से भी बात की और उनसे आग्रह किया है कि ऐसे संकट के समय ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं रोकनी चाहिए। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि दिक्कत उनको भी है कोविड के पेशेंट्स के कारण, लेकिन वो यथासंभव प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों को ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती वो आपूर्ति सुनिश्चित रह सके। वहीं ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीएम शिवराज सिंह को कोरोना से ज्यादा उपचुनाव की चिंता सता रही है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौतें हो रही है। जिन तीन राज्यों से हमें ऑक्सीजन सप्लाई होती थी, आज उन राज्यों ने कोविड के लिए अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर दिया है। मुख्यमंत्री यहाँ पे सिर्फ उपचुनाव के चुनावी भाषण देने के अंदर व्यस्त है और जनता यहाँ पे कोविड के मारे त्रस्त है। मेरा आग्रह है सरकार से, लगातार हम चेता रहे हैं कि यहाँ पे कोविड की बीमारी की समस्या से निपटने के लिए सारी चीजों की व्यवस्था करी जाए, पर ना तो हम उन व्यवस्था कर रहे हैं और जब दूसरे राज्यों से खत्म हो रही है तो हम उनसे बात भी नहीं कर रहे। स्पष्ट है मध्य प्रदेश में कोविड में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों के जान जा रही है। जहां एक और कांग्रेस ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रदेश सरकार पर हमलावर हो रही है, तो वहीं सीएम शिवराज इस मामले में व्यवस्थाएं बहाल होने की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वंदे भारत न्यूज।